अलैकुम uh, आज का हमारा टॉपिक है इज़ नल ऑपरेटर पेज नंबर वन एटी नाइन चैप्टर नंबर एट स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो नल ऑपरेटर है द इज नल ऑपरेटर इज़ यूज टू टेस्ट नल वैल्यू इसको हम क्या करते हैं नल वैल्यू को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं अपने टेबल में एग्जाम्पल है इसकी डाटा क्यूरी दैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय हुज़ हैव मैनेजर कि हमने वो शो करवाने हैं एम्प्लॉय जो कि मैनेजर हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर इज़ नॉट नल के हमारा जो मैनेजर वाला टेबल है वो नल ना हो या कोई भी मैनेजर आ गया वो नल ना हो उसका कॉलम तो जब ये क्यूरी अप्लाई होगी तो उसके बाद हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय है और वो जो मैनेजर है उनका सारा डाटा शो हो जाएगा नेम भी शो हो जाएगा और मैनेजर भी शो हो जाएगा नेक्स्ट न्यू न्यू टॉपिक है फंक्शन फंक्शन क्या है फंक्शन आर यू टू मैनिपुलेट डाटा आइटम दे एक्सेप्ट वन और मोर आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वन वैल्यू के ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं वो यूज़र खुद एंटर करता है वो तो यहाँ तो कॉन्सटेंट हो सकते हैं यहाँ वेरिएबल या कॉलम्स हो सकते हैं तो वो ये क्या होता है कि फंक्शन उन सबको एक्सेप्ट करता है लेकिन जब उन पे प्रोसीजर होता है सारा उन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके बाद जो वैल्यू होता है वो एक वो सिर्फ़ एक वैल्यू रिटर्न करता है उसका फार्मेट है फंक्शन नेम आर्गुमेंट वन एंड आर्गुमेंट टू नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट फंक्शन आर्ग्यूमेंट फंक्शन क्या आर्गी एग्रीगेट फंक्शन है सॉरी एग्रीगेट फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन जनरेट समरी वैल्यू दे कैन बी अप्लाई टू ऑल रो इन टेबल आर रो स्पेसिफाइड वेयर क्लास के ये जो आर एग्रीगेट फंक्शन है उसको हम जो टेबल में सारी रोज हैं उन पे हम उसको अप्लाइड कर सकते हैं या फिर उन रो पे जो कि वेयर क्लास से वेयर क्लास के साथ मेंशन की हुई है तो एग्रीगेट इसके एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं सम काउंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम जनरेट असेंबली वैल्यू ठीक है नेक्स्ट है काउंट स्टेरिक कॉलम नेम डिस्ट्रिक्ट कॉलम नेम ये हमारे क्या है ये फंक्शंस हैं अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे के अग, अग, काउंट स्टेरिक वाला द काउंट स्टेरिक क्या होता है ये हमें क्यों यूज़ करते हैं कि तमाम जो हमारी रोज़ हैं उनको काउंट करने के लिए जो कंटेनिंग uh, डुप्लीकेट उन रो सारी रोज को उसके साथ जो अगर डुप्लीकेट रो भी है उसको भी हम काउंट करेंगे अगर वो तीन दफ़ा है तो उसे तीन दफ़ा काउंट किया जाएगा एंड नल वैल्यू और नल वैल्यूज को भी काउंट किया जाएगा आगे इसकी एग्जांपल है वी राइट अक्यूरी दैट डिस्प्ले टोटल कॉलम इन एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय टेबल में जितने कॉलम है वो शो करवाएँ हम क्या किया सेलेक्ट तो ये स्टैरिक क्यों यू यूज़ होता है सारा करने के लिए काउंट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू ट्वेंटी यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है यहाँ पर हमने एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया है कि जो डिपार्टमेंट नंबर ट्वेंटी में जितने भी एम्प्लॉय आ रहे हैं वो शो करवाएं तो यहाँ पे क्या हुआ है ट्वेंटी में कितने डिपार्टमेंट नंबर ट्वेंटी में कितने आ रहे थे सिर्फ फाइव आ रहे थे आगे काउंट कॉलम नेम नेक्स्ट हैडिंग है काउंट कॉलम नेम द काउंट कॉलम नेम इज़ यूज टू काउंट द वैल्यू इन द कॉलम स्पेसिफाइड एक्सक्लूडिंग ऑल नल वैल्यू ये जो सर काउंट करेगा वैल्यूज कॉलम में लेकिन जो नल वैल्यूज होंगी उनको इग्नोर करेगा उनको वो काउंट नहीं करेगा इसकी एग्जांपल आ रही है राइट अ अक्यूरी दैट डिस्प्ले द टोटल रिकॉर्ड इन कमीशन कॉलम ऑफ एम्प्लॉय टेबल हमने क्या किया सेलेक्ट अकाउंट कमीशन कमीशन हमने दे दिया फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय के टेबल से इसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा फोर आएगा जो ये अब ये क्यूरी इम्प्लीमेंट हुई है वो क्या हुई है कि हमने जो किया था कॉलम कमीशन वाला उसमें जितनी भी वैल्यूज थी नल वैल्यूज को छोड़ के बाकी को काउंट करना था तो इसीलिए आया आगे है आगे अकाउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम द काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम इज यूज टू काउंट ऑल रो इज एक्सक्लूडिंग रो कंटेनिंग डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू जो पीछे काउंट कॉलम नेम था उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज को हमने काउंट करना है लेकिन हमने क्या करना था नल वैल्यूज हमारी इनकलू इग्नोर uh, होनी थी अब जो काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम है इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी इग्नोर होंगी और उसके बाद नल वैल्यू भी इग्नोर होगी ठीक है इसकी एग्जाम्पल है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉय ठीक है अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया सिक्स आ गया इसमें हमने क्या किया इम्प्लॉय के टेबल में जितनी भी थी जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही थी उनको और जो नल वैल्यूज़ आ रही थी उनको इग्नोर करके जितनी भी पीछे वैल्यूज़ बची थी उनको हमने काउंट किया वो कितनी थी सिक्स तो हमारा सिक्स आ गया एवरेज फंक्शन क्यों होता है एवरेज फंक्शन हमें किसी भी वैल्यू की एवरेज शो करवाने के लिए यूज़ होता है और ये जो उन हमेशा नमेरिक कॉलम्स के ऊपर होता है और ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है नल वैल्यूज़ को भी ठीक है उसके बाद इसमें डुप्लीकेट वैल्यू इग्नोर नहीं होगी इसमें सिर्फ नल वैल्यू इग्नोर होगी इसका सेंटैक्स है एवरेज ऑल डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन ऑल क्या हो रहा है डिफॉल्ट डिफॉल्ट एंड अप्लाई टू ऑल वैल्यूज ठीक है ये सारी अप्लाई वैल्यूज़ पे अप्लाई हो रहा है डिस्टिंक्ट क्यों हो रहा है दैट इंडिकेट द एवरेज इज परफॉर्म्ड ओनली ऑन ईच यूनिक इंस्टांस ऑफ अ वैल्यू एक्सप्रेशन क्यों है इट इज़ वेरी इट इज़ एनी वैलिड एक्सप्रेशन लाइक कॉलम नेम जैसे कि इसका हमने ऊपर लिखा है इसका हम लिख सकते हैं एवरेज डिस्टिंक्ट सैलरी तो नीचे एग्जांपल आ गई राइटर क्यू डी डेट कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय के टेबल से हमने एवरेज निकालनी है सैलरी की तो वो क्या होगा एवरेज कैसे निकालते हैं उन सबको काउंट करके और उनके जितने नंबर्स होंगे उस पर डिवाइड अब टेन अगर कॉलम्स हैं तो उनको हम उनकी वैल्यू को प्लस करके और टेन पे डिवाइड करेंगे वो हमारी एवरेज आ जाएगी नेक्स्ट है सम फंक्शन सम फंक्शन क्या होता है सम फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ ऑल वैल्यू इन एन एक्सप्रेशन जो हमारी जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका सम रिटर्न करेगा इसमें भी क्या होगा हम नल वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और क्या ये सिर्फ नोमेरिकल वैल्यूज़ पे परफॉर्म होता है इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू को हम इग्नोर नहीं करेंगे उसके बाद इसकी एग्जांपल आ रही है राइट है दैट डिस्प्ले द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल क्लर्क हमने क्या किया क्लर्क की सिर्फ सैलरी बतानी है सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क उन इन सब की जिनकी जॉब क्लर्क थी उन सबकी सैलरी का सम आ गया मैक्सिमम और मैक्मम क्या होता है मैक्स मैक्स क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है और ये भी नल वैल्यू को इग्नोर कर देता है अब इसकी एग्जांपल आ रही है कि आप करें मैक्सिमम सैलरी वाले जो क्लर्क है वो शो मैक्सीम सैलरी एक क्लर्क की शो करवाएं सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क रिजल्ट क्या आ गया जब ये क्यूरी फॉर्म हुई हमारे पास तेरह सौ आ गया वो किसका आ गया जो सबसे ज़्यादा सैलरी थी क्लर्क में से आगे गया आ गया मिनी फंक्शन ये क्या मिनिमम वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए यूज़ होता है तो इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि मिनिमम शो करवाई तो सेम सेंटेक्स ऊपर वाला जिधर मैक्स लगाया उधर मिनिमम लगा दिया हमने आगे पेज के हिसाब से एंड पे एक आ रही है एग्जाम्पल राइट अ क्यूरी दैट फाइंड मिनिमम मैक्मम एंड एवरेज सैलरी ऑफ़ एम्प्लॉज जो मिनिमम भी करे मैक्सिमम भी करे और एवरेज सैलरी भी करे तो वो सब जो ऊपर पीछे पड़े हैं वो सारे सन आ जाएंगे मैक्स सैलरी जो हमने अभी पढ़ा है वो मिनिमम सैलरी जो अभी वन नाइन्टी टू पेज पे है वो वाला और एवरेज सैलरी जो हमने पीछे पड़ा है वो ये हमने सन लगा दिए फिर उसके बाद जब एम्प्लॉय का टेबल था तो ये सारा हमारा जो मैक्स सैलरी है वो ज़्यादा सैलरी शो करवा रहा है मिनिमम सैलरी मिनिमम सैलरी शो करवाई और एवरेज सैलरी हमारी ये सारी को प्लस करके नंबर ऑफ रोज पे डिवाइड करके तो हमारे पास एवरेज आ गया जो ग्रुप बाई क्लॉज है क्यों यूज़ होता है यूज़ टू डिवाइड द रोज़ इन द टेबल इन टू ग्रुप के जो हमारे पास रोज़ है उनको स्मालर ग्रुप्स में की शक्ल में कर देता है इट

अब हमने क्या कर दिया एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब जो जितनी जॉब होगी उनकी वो एवरेज सैलरी निकाल के दे देगा उसके बाद है दैट फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम सैलरी ऑफ ईच जॉब सेलेक्ट जॉब मैक्सिमम सैलरी मिनिमम सैलरी टेबल एम्प्लॉय का और आगे ग्रुप के आगे ग्रुप बाय जॉब जॉब के जॉब पे हमने ये सारी अप्लाई करनी है कौन जितनी भी जॉब्स हैं जॉब्स क्या है एनालिस्ट फिर उसकी मैक्सिमम बताइए और मिनिमम इसी तरह साहब की ओके okay, हाफिज़